अनुदेशक नियमितीकरण शाहजहांपुर में ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ फिर सरकार बनाओ। साथियों, आज अनुदेशकों के माध्यम से शाहजहांपुर जनपद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। क्या है पूरा समाचार? आपको अवगत कराना चाहेंगे, विगत कुछ दिनों पहले अभी अनुदेशकों का अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था, जिसमें सभी अनुदेशकों को ये अल्प मानदेय स्वीकार नहीं है, उसके खिलाफ ज्ञापन पूर्व प्रदेश में दिए जा रहे हैं। देश के उच्च शासन विद्यालयों में 2013 से अल्प मानदेय में कार्यरत है। 2016 से अनुदेशकों का मानदेय 7,000 के बढ़कर 84,70 हो गया था, जो कि हम सबको विगत वर्षों में प्राप्त होता रहा। सत्र 2017 में आपकी सरकार आते ही हमसे 1470 रुपए की कटौती कर पूरे साल की रिकवरी कर ली गई और 7,000 रुपए का भुगतान पुनः किया जाने लगा, जबकि माननीय उच्च न्यायालय की दोनों खंडपीठों द्वारा मार्च 2017 से 17,000 भुगतान का आदेश सिंगल बेंच द्वारा दिया जा चुका है। महोदय, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम जीविकोपार्जन हेतु 18,000 रुपया माना है, वही आज भी हम अनुदेशकों का अल्प मानदेय रुपए 7,000 में छात्र अध्यापकों की भांति पूरे समय विद्यालयों में रहकर अध्ययनरत बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। अतः माननीय से निवेदन है कि दिनांक 29 दिसंबर 2021 को अनुदेशक मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा को पुनर्विचार करते हुए हम अनुदेशकों को पिछले लगभग 9 वर्ष की सेवा को देखते हुए समस्त अनुदेशकों को हमारे पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। भवदीय रवि वर्मा, जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर। सर, इसमें सर यह जो है पाइप की मिनट जो जारी हुई थी सर 17,000 का, वो भी लगा हुआ है सर इसके साथ में। और यस सर, ये सर उसका बजट जो जारी हुआ था केंद्र सरकार का 17,000 वाला, वो है कि उसका पेज है, इसमें पूरी स्पष्ट किया गया है। संयुक्त सचिव सर जी, 17,000 का ऊपर से केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया सब कुछ है सर। 180 करोड़ रुपये का जो बजट आया था सर, उसका भी कहीं पता नहीं चला राज्य सरकार को। सर, ये हम लोगों सबसे बड़ी बात है हाईकोर्ट की डबल बेंच सिंगल बेंच इलाहाबाद और लखनऊ की आदेश का है, जिसमें 17,000 का आदेश किया गया 9% में ब्याज के तहत। उसके बावजूद भी राज्य सरकार हम लोगों पे लागू नहीं कर रही और डबल बेंच में राज्य सरकार चली जाती है। हम चाहते हैं राज्य सरकार इस चीज़ केस को वापस ले डबल बेंच में और 17,000 वाले सिंगल बेंच के दोनों खंडपीठों द्वारा आदेशों का पालन करें। उसके बाद योगी जी ने अपने स्वयं ट्विटर पे 17,000 के लिए उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बावजूद और राजनाथ सिंह ने अपने अधिकार दिलाव रैली में भी सब कहा था। नहीं सर, एक्चुअली 10,000 शिक्षा मित्र, 17,000 हमारा स्वीकृत हो गया था, होने के बावजूद उनको 10,000 दे दिया गया, लेकिन हम लोगों को उस समय 17,000 नहीं दिया गया। सर, ये बिल्कुल सरकार की अन्यायकारी सोच है, हम चाहते कि आप हमारा ज्ञापन। उसके बाद सर ये शिक्षा मंत्री का भी लेटर सर इसमें लगा हुआ है और उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से कहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, इसको भेजो। निदेशक सरकार के शोषण के खिलाफ पूरी तरह से अपनी आवाज़ उठाए हुए है और अगर ये आंदोलन आगे तक जाएगा और जिले से कम हमारे 700 लगभग निदेशक हैं और सारे निदेशक जाके सरकार से लड़ने का काम करेंगे, और इस आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने सभी निदेशकों से हाथ जोड़कर ही निवेदन करता हूं कि अब वक्त आ गया है जब हम लोग आगे आकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। आप किसी और के लिए नहीं लड़ रहे, आप खुद के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। अगर कहीं अगर आपके लड़ने से, अपना हक मांगने से आपके परिवार को रोजी रोटी मिलती है, तो आप क्यों घर में बैठे हैं? आप सामने आइए, मैदान में आइए और सरकार से लड़िए, क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता था। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो लाठियां खाने के लिए भी हमें आगे जाना पड़ेगा। तो पुनः मेरा सभी अनुदेशकों से आग्रह है और खासकर शाहजहांपुर के अनुदेशकों से कि आप अगर इस तरह से हम सोते रहें तो वो मंजिल दूर नहीं जब हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा भविष्य हमने इन प्रसिद्ध स्कूलों में बच्चों के भविष्य को गाड़ने में दिया है और हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि अगर अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और अपने परिवार को चलाना है, तो आगे आइए लड़िए, क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। इसलिए पुनः सभी अनुदेशकों से आग्रह है कि आइए और अपनी समस्या के लिए एकजुट होइए और सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलिए, जिससे हम अपने अधिकार को ले सकें, सरकार से छीन सकें, क्योंकि ये सरकार हमको देने वाली नहीं है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ हम लोग अपने घरों से निकले और सरकार के खिलाफ
आगे बढ़ें और अपने हक को सरकार से छीन लें। धन्यवाद। जिंदाबाद। आपके साथ बहनें अनुशिकाएं बहनें हैं, जैसे कि कहते हैं कि बहनें नहीं जुड़ पा रही हैं और कुछ ऐसा सुनने में आया है, तो आप इनके लिए क्या अपील करना चाहें? अगर धरना लखनऊ तक गया तो क्या ये आपके साथ जाएंगे? सभी अंदेशक भाई, सभी अंदेशक बहनों से हमारी फिर हाथ जोड़ के अपील है, अगर लखनऊ में धरना हो रहा है तो लखनऊ में प्रतिभाग करिए, और डिबेट चल रही तो डिबेट में प्रतिभाग करिए, और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक सरकार निमित नहीं कर देती है। अमन अवस्थी जी, आप प्रदेश का बड़ा पद संभाले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कम शब्दों में और पूरी बात को कहेंगे? महोदय, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आज के समय में 5 वर्ष में आपने 1470 रुपये हमारा काट करके और 5 साल हमारा जो पूरा पैसा काटने के बाद आज आप 2000 रुपये हमारे बढ़ा रहे हैं, तो ये हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये 530 रुपये बढ़ाकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या हमें सम्मान दे रहे हैं? अगर हमें आपको सम्मान देना है तो आप हमें नियमितीकरण करिए, हमें सम्मान दीजिए, हम आपकी तारीफ करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। और अगर आप हमें नियमितीकरण नहीं करते हैं तो जैसे कि हम विरोध आपका करेंगे, और आने वाले समय 2022 में चुनाव में हम आपको सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं। हमारी शक्ति को आप जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन आप उस चीज़ को निर्णय स्वयं बदल लेंगे। धन्यवाद। अंदेशक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न किया था कि बहुत से लोग संख्या बल में क्यों नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, मेन समस्या ये है कि हम लोग को इतना कम मानदेय मिलता है, इस कम मानदेय में हम लोग अपने परिवार का, अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे कर पाते हैं ये हम ही लोग जानते हैं। हम लोग पहले बच्चों की फीस, घर का राशन, सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो बच पाता है उससे हम और काम को देख पाते हैं। तो हमको कहीं आना जाना भी है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हमारे पास बजट है या नहीं है, कि हम इतना किराया जुटा पाएंगे जाने के लिए, नहीं जा पाएंगे। यही कारण है मेन, कहीं हम जाने से कतराते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उतना खर्च करके कहीं बाहर जा सकें। 7000 में आप कैसे घर चलाते हैं? भैया, बहुत मुश्किल है, हम लोग जो है घर चला रहे हैं 7000 में, और हम लोग को जो है नियमित करें, अन्यथा नहीं तो हमारा जो कोर्ट से हुआ है वो तो हमको दे सरकार। आप लोग सुबह से लेकर जितना भी समय रहता है, टाइमिंग रहती है, इसको भी काम करते हैं? सुबह 9 से 3 तक हम विद्यालय में रहते हैं, और जैसे सर एक सहायक अध्यापक पढ़ाता है वैसे ही। अगर आपकी मांग पूर्णकालिक में बदल जाए और सब बच्चों की बाध्यता है ऑटो रिन्यूअल हो जाए, तो आपको कैसा, अगर चुनाव से पहले हो जाता है तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? तो हम सरकार के साथ हैं और सदैव रहे थे, लेकिन सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोगों को लगाया गया था, और आज 9 सालों से लगातार हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। 7000 रुपये पर हमारी 2013 में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद 8470 का मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन योगी सरकार ने उस मानदेय को 1470 रुपये की कटौती कर पूरे 1 साल की रिकवरी की, उसके बाद फिर 7000 रुपया हमको मानदेय दिया जाने लगा। कोर्ट, उसके बाद पैब की बैठक में 17000 मानदेय हम लोगों का पास हुआ, लेकिन योगी सरकार ने वो मानदेय हमको नहीं दिया। इसके बाद हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने सिंगल बेंच और डबल बेंच का भी आदेश है कि अनुदेशकों को 17000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाए, लेकिन योगी सरकार संविदा कर्मचारियों के शोषण के लिए जानी जाती है, और उसी कार्य को करते हुए हम लोगों को 14000, जो हमारा 17000 रुपया मानदेय है, वो हमको नहीं दे रही। और 29 दिसंबर को जो 2000 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, ये घोषणा करना इनकी एक बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि 1470 रुपये ये हमारे पूरी तरह से पहले ही काट चुके थे, और सिर्फ 530 रुपये का ये लालीपाप हमको थमाया गया। योगी सरकार अनुदेशकों के भविष्य के साथ खेलने का खिलवाड़ कर रही है। जो अनुदेशक पूरे तन मन धन से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे थे, उनके भविष्य को चौपट करने का काम योगी सरकार ने किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा नियमितीकरण उसी पद पर किया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी खेल और स्वास्थ्य, कला और कार्य अनुभव की बात की गई है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है। इसलिए पुनः हम सरकार से मांग करते हैं कि हम अपने इस घोषणा पर पुनः विचार करते हुए हम लोगों को उसी पद पर नियमित किया जाए। मैं बड़े भाई शिव कुमार मिश्रा भैया को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, पिता तुल्य सुरेंद्र दुबे का धन्यवाद अदा करता हूँ, जो उन्होंने हमारे हक के लिए ये 4 मांगे उठाई हैं। मैं उनको बहुत बहुत आभारी और कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ।
आप लोग ये कवरेज जो है न्यूज़ की काफ़ी समय से चल रहा है, आप संख्या बल क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? क्योंकि जैसा कि 30,000 लगभग आपकी संख्या है जी, क्या समस्या आ रही है आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि 2,000-3,000-4,000-5,000 बहुत ज़्यादा 7,000 तक जाती है उसकी वॉचिंग जो है, तो क्या आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्त अपने भाइयों से बहनों से? महोदय, आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाह रहे हैं, दोस्तों को 7,000 रुपया मिलता है, वो भी 70-80 किलोमीटर जा जा करके विद्यालय में अपना शिक्षण कार्य करा रहा है, इससे उनके जीविकोपार्जन करना मुश्किल पड़ रहा है। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिस वजह से वो इस चैनल में संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यही समस्या आ रही है। और एक मोबाइल से 3-3, 4-4 लोग देख रहे हैं, संख्या बल हमारा करीब 12,000 से 15,000 जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने सभी अंगसक संघ से भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे संगठित होने के लिए? जो हमारे प्रदेश पर जितने भी संगठन अंधेशकों के हित के लिए काम कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग एक होकर एक साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है जिसके कारणों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। तो प्रदेश स्तर पर हमारे जो भी साथी संगठन है, जो भी रणनीति बनाएंगे, प्रांतीय जूनियर हाईस्कूल अंधेशक संघ हर समय पर उनके साथ है, और अभी हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिससे सरकार के खिलाफ हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अंधेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अंधेशक एकता, अंधेशक एकता। 2,000 में कम नहीं, अंधेशक एकता। योगी हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंधेशक एकता जिंदाबाद, अंधेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अंधेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। योगी सरकार, अंधेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अंधेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी सरकार, 2,000 में दम नहीं, निर्भीकरण से कम नहीं। 2,000 में दम नहीं, निर्भीकरण से कम नहीं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। योगी सरकार।